पूरे पृथ्वी में हमारे द्वारा प्रति सेकेंड 1.5 एकड़ जंगल काटा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 100 वर्षों में अमेजोन और कॉन्गो जैसे रेन फॉरेस्ट पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। बीते कुछ समय में अमेरिका के कैलिफोर्निया, भारत के उड़ीसा, टर्की और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों के जंगलों में भयानक आग लगी और कई हजार लाख एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाले जंगल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लगना और सहारा डेजर्ट का हर साल विस्तार होता जाना आने वाली भयानक बर्बादी की ओर इशारा कर रहा है। आज पूरी दुनिया में जितना भी जंगल मौजूद है उसमें मात्र 5% ही जंगल हम इंसानों ने लगाया है, जबकि हमें पेड़ पौधे बहुतायात परिमाण में लगाकर जंगल के विस्तार को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि आए दिन दुनिया भर के जंगलों में भयानक आग लगती जा रही है, जिससे हजारों लाखों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। ऐसा ही एक घटना साल 1910 में अमेरिका में दर्ज किया गया, जब 2 दिन स्थायी चलने वाली आग ने अमेरिका के 3 मिलियन एकड़ जंगल को जलाकर खाक कर दिया। जला हुआ जंगल करीब कतार देश के साइज जितना था। जंगल में लगने वाली इस आग ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी आग का नाम दिया। शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही आग लगने की घटना सामने आई। इन सभी घटनाओं से अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि मात्र 4 साल पहले ही सन 1906 में आई सैन फ्रांसिस्को भूकंप ने पूरे अमेरिका के लोगों के मन में भयानक खौफ पैदा कर दिया और अब 1910 की आग ने अमेरिका के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी बर्बादी आ चुकी है।